हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से डील करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एक चीज पे हम एक एक पूरा चैप्टर देखेंगे, जैसे कि एग्रीमेंट यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो वो पहला आपका चैप्टर है, यानी सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर टू। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा कंसिडरेशन। ऐसा कर करके हम एक एक पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। आज हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर देखेंगे और आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो चैप्टर नंबर टू डील्स विथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि आपको पता है कि अगर ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोला हां, सो ये जो ए कर रहा है, ए जो पूछ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑफर, और बी जो उसको जवाब दे रहा है, हाँ बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टेंस। सो ऑफर इज द बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसको हम ऑफरर बोलते हैं। मिस्टर ए इज द ऑफरर, मिस्टर बी इज द ऑफरी। देन स्टार्टिंग पॉइंट है, कभी भी ऑफर आएगा उसके बाद ही एक्सेप्टेंस होगा। ऑफर से ही बातें चालू होगी, ऑफर चालू होगा उसके बाद बाकी की चीजें चालू होगी, नेगोशिएशन होंगे, बार्गेनिंग होंगी और एक डील स्ट्राइक की जाएगी। फिर ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस आ सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा पहले एक्सेप्टेंस हुआ और बाद में ऑफर आया। फिर मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आजकल यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब है जो ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, सब चीज उसमें डिटेल में लिखी होती है, सिर्फ आपको वहां पे साइन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फिल करना पड़ता है और साइन करना पड़ता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ही हम एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, जो पहले से ही बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे रूल्स लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट। फिर ऑफर क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑफर, ऑफर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ पूछ रहा है, कुछ इच्छा जाहिर कर रहा है। सो देयर मस्ट बी टू थिंग्स इन द ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकती है डेफिनेशन। क्या किया है डिफाइन? सो एक्चुअली ऑफर वर्ड तो डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे जो वर्ड आपको डिफाइन दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रपोजल। प्रपोजल को डिफाइन किया है। सो प्रपोजल को सेक्शन 2A डिफाइन करता है एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने या नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रहा है, बट विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब है कुछ चीज नहीं करना। सो जब एक व्यक्ति कुछ करने या नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू नॉट टू डू, एब्सटेन मीन्स नॉट टू डू, ठीक है, ये सब वर्ड्स आप लिखते जाएंगे साथ साथ में। फिर विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन, हम आगे वाले से जवाब मांग रहे हैं, हम उससे हाँ बुलवाना चाहते हैं। सो हम चाहते हैं आगे वाला हमको जवाब दे, हाँ बोले। विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो हमने एक प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है, मान लिया जाएगा। सो देयर मस्ट बी टू थिंग्स, फर्स्ट देयर शुड बी अ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, सेकेंड इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन। सो फर्स्ट रहेगा विलिंगनेस, दूसरा होना चाहिए असेंट, दोनों चीजें होंगी तभी ऑफर होगा। अगर मैं कैजुअली पूछता हूँ, कैजुअली बताता हूँ कि यार ऐसा लग रहा है अगर 2 लाख रुपए मिले तो मैं कार बेच दू, दिस इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि इट इज नॉट मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। मैं आगे वाले से जवाब थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो दैट इज नॉट एन ऑफर। मैं इच्छा तो जाहिर कर रहा हूं बट मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या आप खरीदोगे, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। सो वही डेफिनेशन बताई गई है, देयर मस्ट बी अ डिक्लेरेशन और विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग एंड इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ठीक है। देन एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी का, इसको हम थोड़ा रुक के देखेंगे, पहले मैं आपको आगे की कुछ चीज बताऊंगा, उसके बाद हार्वे वर्सेस फेसी के केस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर से रिलेटेड जो लीगल रूल्स है ये क्या बोलते हैं। सो
ऑफर या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब जो बोला गया है या लिखा गया है, बोथ आर एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या तो बोल के या तो लिख के, सो बोथ आर एक्सप्रेस ऑफर्स। और इम्प्लाइड का मतलब है जो बोला तो नहीं, लिखा तो नहीं, बट फिर भी ये बन गया, ऑफर हो गया या मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कुली वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कुली अगर कोई सामान उठाता है, वो कुछ बताया नहीं आपको, बस आया, नमस्ते किया और सामान उठा लिया। ऐसे केसेस में उसने ऑफर दिया, ये उसने बोला नहीं, लिखा नहीं, फिर भी ऑफर हो गया, इट इज कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, सो इम्प्लाइड ऑफर का मतलब है विच इज नॉट इन वर्ड्स, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब है इट इज इन वर्ड्स, इम्प्लाइड का मतलब इट इज नॉट इन वर्ड्स। देन ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक का मतलब है जहां पे हमने एक स्पेसिफिक व्यक्ति को ऑफर दिया है। जैसे ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, ये बी को ही ऑफर है, तो बी कैन एक्सेप्ट इट, ओनली बी कैन एक्सेप्ट इट। दूसरा होता है जनरल ऑफर, जनरल ऑफर का मतलब होता है जो पूरे जनरल पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति पूरा कर सकता है। जैसे समझो मेरी अंगूठी घूम गई है, मैंने पेपर में अनाउंसमेंट कर दिया, पेपर में मैंने ऑफर कर दिया कि जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 5,000 रुपये इनाम के रूप में दूंगा। तो दिस इज अ जनरल ऑफर, जो भी ढूंढ के लाएगा, इसमें किसी को मैंने स्पेसिफिकली बोला नहीं हूं, इट इज अ जनरल ऑफर। कई बार एक ऑफर ऐसा भी होता है जनरल ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक ऑफर, सॉरी जनरल नहीं, स्पेसिफिक ऑफर विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑफर दिया गया कि अगर आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो खरीदना है तो वैसे उसकी वैल्यू है 50,000 रुपये, अगर आप सीए हैं तो आपको वो 5,000 रुपये में मिल जाएगा सिर्फ 10% प्राइस पे। सो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक ऑफर, ये सीए कम्युनिटी में से कोई भी अकेला व्यक्ति भी जाके एक्सेप्ट कर सकता है, बट इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर एक केस भी था जनरल ऑफर के ऊपर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था। एक आंटी जी होती है, पेपर पढ़ती रहती है, पेपर में उनको एक एड दिखता है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि हमने एक इन्फ्लुएंजा की दवाई बनाई है और ये दवाई जो भी दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक के कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड इनाम के रूप में देंगे, रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड का। अब यहाँ पे ये जो आंटी जी होती है कार्लियल, वो देखती है एडवर्टाइजमेंट पढ़ती है, उसको लगता है यार बढ़िया है, ये तो इतना बुरा दौर चल रहा है, सब जगह इन्फ्लुएंजा फैला है। उस जमाने की बात है जब इन्फ्लुएंजा बहुत फैला था, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना फैल गया था उसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। सो इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था तो सबको डर था, इन्होंने सोचा कितना अच्छा है अपन दवाई ले लेते हैं, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और हो भी गया तो 100 पाउंड तो मिलेंगे। तो उन्होंने दवाई ले लिया, कंज्यूम किया बराबर एज पर द इंस्ट्रक्शंस, उसके बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। यहाँ पे अब वो क्लेम करने चले जाती कंपनी के पास कि मुझे मेरा पैसा दे दो, 100 पाउंड मुझे दे दो। कंपनी बोलती है तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए किया था हमने, देर इज नो ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, तो ये ऑफर नहीं है बोला गया। बट यहाँ कोर्ट ने बोला नो, इट इज अ जनरल ऑफर एंड एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जो टर्म्स लिखी थी उस हिसाब से अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं प्रॉपर प्रॉपरली पूरी मेडिसिन, सो ऐसे केसेस में आप ये नहीं बोल सकते इट वॉज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट वॉज अ जनरल ऑफर एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सो दिस वॉज स्पेसिफाइड इन द कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनीज केस लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में इस पे आ सकता है क्वेश्चन, साबुन का बना के आ सकता है कि गुड गर्ल सोप है, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया, जो भी ये हमारी साबुन को यूज करेगा उसको चर्म रोग नहीं होगा, स्किन डिसीज नहीं होगी, और हुआ तो हम इनाम देंगे, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा केस आ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देन इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये तो सिंपल है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसे केस में इट विल नॉट बी एन ऑफर, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देन ऑफर एंड ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर को हमको डिस्टिंग्विश करना है, ऑफर अलग चीज है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग चीज है। आप अगर कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप जाते हैं दुकान में, दुकान में बोलते हैं भैया 20,000 की रेंज में हमको मोबाइल बताओ, वो 5-6 मोबाइल आपको बता देता है। अब आपको कोई पसंद नहीं आता, आप बाहर जाते हैं, तो क्या यहाँ पे वो आपको कंपेल कर सकता है खरीदने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे जब आप जाते हैं और बोलते हैं भैया मोबाइल बताओ, उसने जो मोबाइल बताया दैट वॉज, आपने जब पूछा दैट वॉज इन्विटेशन, उसने जो मोबाइल बताया दैट वॉज ऑफर, और फिर आप जब उसको हाँ बोलेंगे तभी एक्सेप्टेंस होगा, अगर आपने उनमें से कोई भी पसंद किया ही नहीं तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। एक सेकेंड,
हेलो। हाँ तो ऐसा है, नेटवर्क गया था। वन सेकेंड। हाँ सो ऐसा है, आपने जब उसको बोला मोबाइल बताओ, दैट वाज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर। उसने आपको मोबाइल बताया बहुत सारे, ये ऑफर था। आपने उसमें से कोई पसंद किया होता तो एक्सेप्टेंस होता, बट उसमें से कोई पसंद किया ही नहीं गया, सो देयर वाज नो एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा। देयर वाज नो एक्सेप्टेंस एंड हेंस इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक केस जो अपन ने ऊपर छोड़ दिए थे वो देख लेते हैं। हार्वे वर्सेस फेसी का एक केस था। तो इसमें क्या होता है, एक हार्वे होता है, मिस्टर हार्वे, इसके पास एक, इसको एक हॉल खरीदना रहता है, एक बम्पर हॉल, जैसे एक शादी का हॉल होता है उस प्रकार का एक मेजर हॉल होता है। ये हॉल खरीदना होता है इसको फ्रॉम फेसी। फेसी के पास हॉल होता है, हार्वे को ये खरीदना होता है। हार्वे क्या करता है, हार्वे, एक सेकेंड मैं दिखाई तो दे रहा हूं, हाँ। तो हार्वे जो होता है, हार्वे क्या करता है, हार्वे इसको टेलीग्राम भेजता है, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, बम्पर हॉल जो है वो हॉल बेचोगे क्या, एंड टेलीग्राफ इज लोएस्ट कैश प्राइस, उसका जो लोएस्ट प्राइस है, कैश प्राइस है, वो मुझे भेज दो। अब फेसी उसका रिप्लाई भेजता है, द लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड। हार्वे बोलता है आई एग्री टू बाय एट द स्टेटेड प्राइस, वो खरीदने को तैयार है। अब यहां पे इसके बाद फेसी कुछ भी नहीं बोलता, फेसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब कुछ टाइम बाद हार्वे जाता है पैसे लेके, 900 पाउंड लेके, बोलता है ये लो मैं पैसे ले आया, मुझे हॉल दे दो, हॉल मेरे नाम कर दो। फेसी बोलता है मैं नहीं बेचने वाला, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, मैंने तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। हार्वे बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्लियर क्लियर बात हुई थी, टेलीग्राफ ऑफिस से पूरा अपन डाटा निकालेंगे और तुमको बेचना पड़ेगा। जब पूरा डाटा निकाला गया, पता लगा क्या हुआ था, हार्वे ने बोला था विल यू सेल और उसका लोएस्ट प्राइस बताओ। फेसी ने एक ही आंसर दिया, लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड। उसने ये बताया ही नहीं वो बेचने को तैयार है या नहीं है, एंड हेंस इट वॉज नॉट एन ऑफर, इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन। फिर जब हार्वे ने बोला आई एग्री टू बाय इट फॉर 900 पाउंड आज बाय यू, देन इट वॉज एन ऑफर, ये ऑफर था। बट फेसी ने इस ऑफर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, एंड हेंस देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। और बोला गया क्योंकि यहां पे एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, देर वॉज ओनली एन ऑफर एंड हेंस देर कैन नॉट बी एन देर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये केस है जो फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। और इसके अलावा जो हम अभी इनविटेशन टू ऑफर वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हर पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में मेन फर्क क्या है, ऑफर में आपका मेन इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, आपने पूरा विलिंगनेस बना के आए हैं, पूरी इच्छा बना के आए हैं कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज खरीदना है। लेकिन इन केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर देयर इज नो फाइनल विलिंगनेस, वहां फाइनल विलिंगनेस नहीं होती है, वहां पे आप सिर्फ यू ओनली वॉन्ट टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, आप सिर्फ एक रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं, कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में इट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे कि कैटेलॉग फॉर गुड्स, कैटेलॉग होता है जिसमें गुड्स के पूरे चित्र बने होते हैं और उसमें लिखा होता है कि कौन से गुड्स कितने प्राइस के हैं, दैट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। वैसे ही डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग एट अ सेल्फ सर्विस शॉप, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक सेल्फ सर्विस शॉप है, वहां पे कुछ गुड्स रखे हुए हैं शेल्फ पे, आप जाते हैं शेल्फ पे जो भी गुड्स थे वो उठाते हैं और जाके काउंटर पे बोलते हैं मुझे ये खरीदना है। अब आपने खरीदने को बोला, बाजू अब आगे वाला बोलता है कि मैं इसको बेचने को तैयार नहीं हूं, कैशियर बोलता है आई डू नॉट वॉन्ट टू सेल इट, तो क्या वो ऐसा कर सकता है, द आंसर इज येस, बिकॉज जब वो डिस्प्ले किया है दैट वॉज ओनली एन इन्विटेशन, जब आपने वो पिकअप किया और अप्रोच किया टू द कैशियर फॉर द पेमेंट, यू आर मेकिंग एन ऑफर। अब कैशियर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, कैशियर बोल सकता है नहीं, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, इट वॉज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सो कैशियर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू सेल।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये भी ध्यान रखो, इस पे अगर समझो कुछ प्राइस टैग लगा है, एक कोई ड्रेस था वो ड्रेस पे प्राइस टैग लगा था 5,000 रुपए का, आप वो ड्रेस उठाते हैं और जाते हैं काउंटर पे पेमेंट करने के लिए। अब वो बोलता है साहब ये 5,000 का नहीं है, 7,000 का है। सो क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज यस, वो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो डिस्प्ले पे रखा है दैट इज नॉट एट ऑल एन ऑफर, जब आप जा रहे हैं तो दैट इज एन ऑफर विच द कैशियर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? हाँ प्रॉस्पेक्टस नहीं, पहले बोला है प्रॉस्पेक्टिव बायर के द्वारा कोटेशन, कोटेशन यानी वही प्राइस लिस्ट कि भाई कितने रुपए की कौन सी चीज है, वो उसको हम बोलते हैं कोटेशन, ठीक है। तो कोटेशन लेके आए अपन ने कि ये मोबाइल कितने कितने रुपए का है, दैट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। टेंडर नोटिस, ध्यान रखो टेंडर नोटिस इज नॉट एन ऑफर बट टेंडर इज एन ऑफर। टेंडर नोटिस क्या होता है? पेपर में छपता है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर रोड बनाना है, एक पर्टिकुलर फ्लाईओवर बनाना है, तो ऐसे केसेस में पेपर में छपता है कि ये फ्लाईओवर हम बनाने देना चाहते हैं, इसको कौन कितने रुपए में बना के दे सकता है। ये जो पेपर में छपा है इसको हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर, ये टेंडर नोटिस है। फिर ये देखते हुए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रेक्टर्स है वो लोग एप्लीकेशन करेंगे, टेंडर फिल करके देते हैं। सो ईच टेंडर इज एन ऑफर, हर एक कॉन्ट्रेक्टर ने अपना अपना ऑफर रखा है गवर्नमेंट के सामने। इसमें से फिर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट सबसे अच्छा लगता है, जो ऑफर सबसे अच्छा लगता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सो इन दिस प्रोसेस टेंडर नोटिस जब आया था पेपर में दैट इज ओनली एन इनविटेशन, सबमिशन ऑफ अ टेंडर दैट इज एन ऑफर, एंड अलॉटमेंट ऑफ टेंडर दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो दिस इज अ टेंडर नोटिस, ध्यान रखना टेंडर नोटिस इज नॉट ऑफर बट टेंडर इज एन ऑफर, ठीक है। फिर प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी को पैसा रेस करना पड़ता है फ्रॉम द पब्लिक, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। कंपनी वो डॉक्यूमेंट पब्लिक में बांट देती है। अब पब्लिक को बोला जाता है हम इतना इतना पैसा लेना चाहते हैं, आप अगर हमारे कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं तो हमको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दो। जो जो लोग खरीदना चाहते हैं शेयर्स, वो लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन देते हैं, मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, तो सब लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, साथ में जो एप्लीकेशन मनी है वो भी जमा किया जाता है। अब यहां पे जब प्रॉस्पेक्टस बांटा था दैट वाज नॉट एन ऑफर, दैट वाज ओनली एन इनविटेशन, लोगों ने जब एप्लीकेशंस डाले ये सब ऑफर्स हैं। अब इनमें से किसको शेयर देना किसको नहीं देना ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी हो सकता है कि गुप्ता जी को शेयर देगी, पांडे जी को शेयर नहीं देगी, तो कंपनी ये डिसाइड कर सकती है। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भाई कंपनी हर किसी को शेयर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब शेयर अलॉट होगा। जब एप्लीकेशन आई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ इनविटेशन, ये सिर्फ ऑफर आए, पहले इनवाइट किया फिर ऑफर आया, प्रॉस्पेक्टस यानी इनविटेशन, एप्लीकेशन मीन्स ऑफर, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज दिस इज एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये प्रॉस्पेक्टस। मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड में लिखा होता है कि आपके दुकान में इडली मिलने वाली है, सांबर वड़ा मिलेगा, ये सब चीजें लिखी होती है। अब ये चीज उस टाइम नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑफर है ही नहीं, जो मेन्यू कार्ड पे लिखा है दैट इज ओनली एन इनविटेशन। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं मुझे ये चीज चाहिए, देन दैट इज एन ऑफर, ठीक है। फिर अगर आगे वाले के पास वो चीज उस टाइम नहीं होगी तो वो बोलेगा साहब अभी नहीं है। कई बार होता है आप खाना खाने जाते हैं, वो बोलता है, आप बोलते हैं तंदूरी रोटी चाहिए आपको या नान चाहिए, वो बोलता है साहब अभी सिर्फ सादी रोटी मिलेगी, तंदूर बंद है अपने यहाँ का। तो यहाँ पे क्योंकि भले उसने मेन्यू कार्ड में लिखा है बट दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज ओनली एन इन्विटेशन। व्हेन द ऑर्डर फॉर ईटेबल्स इज प्लेस देन इट इज एन ऑफर विच द रेस्टोरेंट कीपर कैन एक्सेप्ट और कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जनरली ऑफर नहीं होते, जैसे मैंने पेपर में ऐड दिया कि मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, अब मैंने ऐड दिया दैट इज एन इनविटेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी, समझो 20 एप्लीकेशन आई, ये सब ऑफर है, इसमें से जो भी एक मेरे को पसंद होगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सो दैट इज एन एक्सेप्टेंस। जनरली ऑफर नहीं होते बट इट कैन बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कैन ऑल्सो बिकम एन ऑफर, जैसे कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में हुआ था, जिसमें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ही था बट हमने बोला वो ऑफर था। जैसे समझो मैंने पेपर में छाप दिया मेरी अंगूठी घूमी है, जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा। अब यहाँ पे ये एक ऑफर है, भले ये न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट है बट इट इज एन ऑफर, सो इट कैन बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट इट अमाउंट्स टू ऑफर, ठीक है। देन एडवर्टाइजमेंट फॉर मेकिंग बिड्स एट एन ऑक्शन सेल, पेपर में एड छपता है, जैसे मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ थ्रू ऑक्शन, नीलामी के जरिए, तो मैं पहले पेपर में एड छापूंगा कि ये ऑक्शन होने वाला है,
और फिर लोग आएंगे पूरे दुनिया भर से, देश भर से। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे अरे शशांक सर पेन बेच रहे हैं, बड़ा वैल्यूएबल चीज है। तो सब लोग पूरे देश भर से आएंगे, नागपुर में आए सब लोग। अब यहाँ पे बाद में मैंने अगर ये सेल कैंसिल कर दिया तो क्या वो लोग कुछ बोल सकते हैं, वो लोग खर्चा क्लेम कर सकते हैं दूर दूर से आने का? द आंसर इज नो, बिकॉज इट वॉज नॉट एन ऑफर। जब मैंने पेपर में ऐड दिया दैट इज एन इन्विटेशन, फिर लोग आएंगे और जब बोली लगाएंगे, सो ईच बिड इज एन ऑफर। ये हर एक बोली ऑफर है, इसमें से जो भी मेरे को सबसे अच्छी बोली लगेगी उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्टेंस कैसे होता है? तो एक छोटा सा हैमर होता है हाथ में, वो हैमर को ऐसे फॉल किया जाता है। जैसे ही वो हैमर फॉल होता है तो मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे हम ऑक्शन की प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देन रेलवे टाइम टेबल इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर। रेलवे टाइम टेबल में तो लिखा ही होता है कि भाई टाइम दिया हुआ है बट ये टाइम से आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इनफैक्ट अगर वो टाइम से ट्रेन आ गई तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है क्योंकि जनरली नहीं आती है। सो रेलवे टाइम टेबल्स आर नॉट ऑफर्स, उसमें लिख दिया होता है कि हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि अगर लेट होती है या डिटेंशन हो जाता है, कैंसलेशन हो जाता है, तो इसमें हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। देन अगला पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर का कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। ऑफर था तो ऊपर आपको पहुंचा क्या, आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए ऑफर, आपने सुना हुआ होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक रूल है, देयर कैन नॉट बी एन एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर, इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। ठीक है, इसमें एक केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसमें क्या होता है, एक सेठ जी होते हैं, उनके यहाँ एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चे का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसको घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता। पर एक दिन वो खेलते खेलते घर के बाहर चला जाता है। अब सब लोग बड़े टेंशन में होते हैं, कहाँ चला गया, बच्चा दिख नहीं रहा है। सेठ जी बोलते हैं रामलाल को, रामलाल उनका सबसे अच्छा नौकर होता है, उसको बोलते हैं जाओ बच्चे को ढूंढ के लाओ। रामलाल चला जाता है। इसके बाद सेठ जी इनाम अनाउंस करते हैं, जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा हम उसको 5,000 रुपये देंगे। अब सब नौकर ढूंढने जाते हैं, अल्टीमेटली रामलाल ढूंढ के लाता है। रामलाल ने लाया और बच्चे को सौंप दिया। अब यहाँ पे बच्चा दे देता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार, उसके बाद उसको पता लगता है कि यार इसके ऊपर तो ऑफर था। वो जाके क्लेम करता है सेठ जी से, सेठ जी वो 5,000 रुपये देने वाले थे। सेठ जी मना कर देते हैं, सेठ जी बोलते हैं मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? द आंसर इज नो। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला रामलाल को क्या तुमको पता था ऑफर किया है? वो बोला जी नहीं पता था, बाद में पता लगा मुझे, जब मैंने ला के दे दिया बच्चा उसके बाद मुझे पता लगा कि इसके ऊपर तो कुछ इनाम रखा हुआ था। तो बोले जब तुमको पता ही नहीं था तो तुम उसका एक्सेप्टेंस थोड़ी कर सकते हो। तो बोला गया देयर कैन नॉट बी एन एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इवन इफ इट इज अ जनरल ऑफर इट मस्ट हैव बीन कम्युनिकेटेड। आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको पता था कि ऑफर है। ठीक है, सो ये केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देन द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टन। अगर मैं बोलूंगा मैं ये पेन सस्ते में बेच दूंगा तो ऐसे केस में इट इज नॉट एन ऑफर, इट शुड बी सर्टन। अगर वो सर्टन नहीं है, अगर वो एम्बिगियस है, अगर वो वेग है, तो ऐसे केस में इट इज नॉट एन ऑफर। एन ऑफर में भी कंडीशनल कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल का क्या मतलब है? आप उसमें कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि मैं अपना मकान किराए से दूंगा सिर्फ उस व्यक्ति को जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन फैमिली को। सो दिस इज अ कंडीशनल ऑफर। सो आप कंडीशंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कई बार की जो कि गलत हो, और इसीलिए रूल ये बोलता है आप अगर कंडीशन लगाते हैं तो इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी फेयर। अगर आप अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं तो ऐसे केस में दैट विल नॉट बी वैलिड। जैसा कि केस हुआ था लिली वाइट वर्सेस आर मुन्ना स्वामी का केस, जिसमें क्या हुआ था, एक आंटी जी होती है वो एक साड़ी ले जाती है लॉन्ड्री में उसको ड्राई क्लीन कराने के लिए। अब वो साड़ी दे देती है और उनको 7 दिन बाद बुलाया जाता है। 7 दिन बाद आंटी आती है, बोलती है वो साड़ी हो गई क्या? लॉन्ड्री वाला बोलता है जी हो गई है। ढूंढता है, वो दिखती नहीं उसको साड़ी कहाँ गई। अब वो बोलता है मैडम जी कितनी प्राइस थी आपके साड़ी की? वो बोलती है 10,000 रुपये। तो बोलते ये लो 1,500 रुपये। 1,500 रुपये उनको टिकाया जाता है। अब वो आंटी बोलती है 1,500 रुपये में कैसे क्या मैं इसको खत्म करूं केस को, 10,000 की साड़ी थी सिर्फ 1,500 रुपये दे रहे हो तुम, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। आंटी जी कोर्ट पहुंच जाती है। अब कोर्ट में बोला जाता है, लॉन्ड्री वाला बोलता है साहब देखो कंडीशन थी हमारी, जो रिसिट है उसके पीछे लिखा भी हुआ है कि अगर आपकी कोई भी चीज गुम जाती है तो हम उसका कुछ पैसा आपको देंगे, 15%। तो हमने उतना पैसा दे दिया। कोर्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा अनरीजनेबल कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसी कंडीशन लगाएंगे तो जज साहब बोलते हैं फिर तो मैं भी ऐसी दुकान चालू कर लूंगा और जितने भी अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे वो सब मैं अंदर रख लिया करूंगा और मैं उसका 15% पेमेंट कर दिया करूंगा। तो ये तो गलत है, इट विल प्रमोट द डिसऑनेस्टी। इससे तो लोग डिसऑनेस्ट होने को प्रेरित होंगे, इट विल गिव प्रीमियम ऑन डिसऑनेस्टी।
सो सच टर्म्स एंड कंडीशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. सो ये पॉइंट भी यहां पे बताया गया, लिली व्हाइट वर्सेस आर मुन्नास्वामी. देन ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स. अगर आप मोबाइल बेचना चाहते हैं और बोलते हैं सर आप मोबाइल खरीदोगे क्या, और आप बोलते हैं सर अगर आपने कल तक कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा आपने खरीद लिया, सो दिस इज नॉट एन ऑफर. ऑफर शेल नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स. आप ऐसा नहीं बोल सकते सर कुछ नहीं बोला तो मैं हाँ मान लूंगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता. ठीक है, सो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या तो वर्ड से या बाय कंडक्ट से, बट कुछ ना कुछ दर्शाना चाहिए. अगर कुछ बोला नहीं गया है सो ऐसे केसेस में एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी नेगेटिव इन टर्म्स कि कुछ नहीं बोला तो हम हाँ समझेंगे, या आपने रिजेक्ट नहीं किया तो हम हाँ मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, देन टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. दो एक जैसे क्रॉस ऑफर्स, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे. जैसे कि मेरे घर के पास में एक आंटी जी रहते हैं. अब वो जो आंटी जी हैं वो बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझे पता है कि वो आज नहीं कल अपना बंगला बेच देंगे. तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि आंटी जी आप जब भी बंगला बेचोगे सबसे पहले मुझे पूछना, क्योंकि मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि बाजू का बंगला है तो दोनों बंगले मिलके एक बड़ा घर बन जाएगा. और सो मैं बोलता हूँ पहले मुझे पूछना. वो बोलते हैं ठीक है. कुछ टाइम बाद वो चले जाती है मुंबई अपने लड़कों के साथ रहने के लिए. अब क्या होता है, मेरे को उड़ती उड़ती खबर आती है कि आंटी जी ने बंगला बेचने को निकाला है. तो मैं उनको यहाँ से लेटर लिख के भेजता हूँ नागपुर से, और मैं उनको बोलता हूँ आंटी जी क्या आप वो बंगला मुझे बेचेंगे 1 करोड़ रुपए में. वहां से आंटी जी को याद आता है अरे शर्मा जी ने बोले थे वो खरीदना चाहते हैं. आंटी जी वहां से लेटर लिखते हैं क्या आप खरीदेंगे 1 करोड़ रुपए में. अब दोनों जनों ने ऑफर किया एक दूसरे को, इनको ही हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर्स. ये कहीं ना कहीं पोस्ट में क्रॉस हुए होंगे, दीज आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर्स. सो ये जो क्रॉस ऑफर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस. यहाँ तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, यहाँ ये भी ऑफर है और ये भी ऑफर है, बट देयर इज नो एक्सेप्टेंस एंड हेंस इट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सिंपल. देन काइंड्स ऑफ ऑफर, सिंपल वही पॉइंट है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर ऑलरेडी हमने देखा, स्पेसिफिक और जनरल ऑलरेडी देखा. स्टैंडिंग ऑफर एक अलग चीज है, ये मैं आपको बता देता हूँ. स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर ऐसा होता है कि जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, जैसे कि फॉर 1 मंथ. 1 महीने में आप हमसे जितना भी गुड्स खरीदोगे हम वो आपको 120 रुपए के भाव से देंगे, भले मार्केट में कोई भी भाव हो. ठीक है, या 1 साल के अंदर आप जितने भी सीमेंट के बैग्स खरीदेंगे वो हम आपको 130 रुपए के भाव से देंगे, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी आपको 1 लाख बैग्स खरीदना पड़ेगा. सो इस प्रकार के जो ऑफर होते हैं, जो स्टैंडिंग कर रहे हैं एक टाइम तक के, 1 साल, 1 महीना, सो 1 साल तक के अगर मैं कोई भी ऑर्डर देता हूँ तो मुझे 130 रुपए का भाव मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू ऑर्डर का जो ये है क्वांटिटी है दैट शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख बैग्स. ठीक है, सो ऐसे केसेस में इट इज अ स्टैंडिंग ऑफर, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के चालू रहता है. देन क्रॉस ऑफर्स, क्रॉस ऑफर जो मैंने अभी जस्ट बताया कि आंटी जी को मैंने लेटर लिखा, उन्होंने वहां से लेटर लिखा, दीज आर क्रॉस ऑफर्स. एंड काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का मतलब होता है जब मैंने आपको ऑफर किया था क्या आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, आपने बोला हाँ सर लेकिन 1.5 लाख रुपए में. अब आप 1.5 लाख बोल रहे हैं, मैं 2 लाख बोल रहा हूँ, तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया? भले आपने हाँ बोला तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया? द आंसर इज नो. आपने जैसे ही उस पर कंडीशन लगा दिया 1.5 लाख रुपए, इट बिकम्स एन ऑफर अगेन. सो इट इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर. ऑफर दिया था आपने, मेरे को दूसरा ऑफर दे दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज एन कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर. अ काउंटर ऑफर इज एन इम्प्लाइड रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. जैसे ही काउंटर ऑफर आया ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया. अब मैं मना कर देता हूँ आपको, नहीं नहीं 1.5 लाख में नहीं, तो आप ये नहीं बोल सकते ठीक है मैं 2 लाख में खरीद रहा हूँ, वो 2 लाख वाला ऑफर कैंसिल हो चुका है. अब अगर आप बोलते हैं ठीक है 2 लाख में खरीदता हूँ, तो दिस इज अगेन एन ऑफर, अ न्यू ऑफर, अ फ्रेश ऑफर. ठीक है, जैसे ही आपने काउंटर ऑफर किया द ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस. स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब है जो ऑलरेडी कोई फॉर्मेट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म हो गया, बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, ये सब एक फॉर्मेट में होते हैं. आप उसको आइदर टेक इट और लीव इट, आप उसको कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, जैसा है वैसी की वैसी कंडीशंस के साथ आपको उसको लेना पड़ता है या तो भूल जाना पड़ता है. देन व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है, पहले ऑफर की डेफिनेशन को फिर से एक बार बताता हूँ. ऑफर में क्या था, वेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग.
विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, एसेंट मांगा था हमने, और वॉट इज एन एक्सेप्टेंस, दैट एसेंट इज एन एक्सेप्टेंस, वो जो एसेंट है, वो जो हाँ बोला है, दैट इज एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो वही चीज है, एक्सेप्टेंस मीन्स द एसेंट, जब हमने एसेंट मांगे थे, ही सिग्निफाइज द एसेंट देयर टू, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। फिर एक्सेप्टेंस एक बार हो गया तो आप उसको अब रिवोक नहीं कर सकते, वंस द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट यू कैन नॉट रिवोक इट। अब अगर आप मना करोगे देन इट विल बिकम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं ये माना जाएगा, ब्रीच का मतलब है तोड़ना, ठीक है। सो अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया देन यू कैन नॉट रिमूव इट। ये वैसा है जैसे कि एक बारूद से भरी ट्रेन को आपने चिंगारी लगा दी, अब वो एक एक करके जलती जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। देन लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, जब भी एक्सेप्टेंस की बात होती है, इट शुड बी 100%, इट शुड बी अनक्वालिफाइड, इट शुड बी अनकंडीशनल, आप इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर कंडीशन लगाया है तो इट इज नॉट एट ऑल एन एक्सेप्टेंस, इट इज ओनली अ काउंटर ऑफर। अगर आपने कोई कंडीशन लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, आपने बोला हाँ सर बट मैं किश्तों में पेमेंट करूंगा, इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, सो आपने भले हाँ बोला है लेकिन आपने कंडीशन लगाया ना इंस्टॉलमेंट, इट इज अगेन अ काउंटर ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। भले प्राइस वही है बट आपने एक कंडीशन लगा दिया कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस में आप कंडीशंस नहीं लगा सकते, इट शुड बी मिरर इमेज ऑफ द ऑफर, इट शुड बी 100%, ठीक है। केस दिया है नील वर्सेस मेरिट का, सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी समझाया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय दैट पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जाहिर सी बात है ए ने बी को पूछा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, सो बी कैन एक्सेप्ट इट, और कोई व्यक्ति उसको हाँ नहीं बोल सकता। जब ए ने बी को पूछा था तो बी कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू इट। एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस्ड और गिवन बाय कंडक्ट, ये भी सिंपल है, एक्सेप्टेंस या तो आप बोल के ले सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर कंडक्ट से भी दे सकते हैं। जैसे कि कुली वाला एग्जाम्पल, कुली ने जो लगेज है वो उठाया और आगे आगे चल रहा है, आपने उसको मना नहीं किया, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, योर कंडक्ट इम्प्लाइज दैट यू हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सम एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। 3 रूल्स निकल के आते हैं यहाँ, ध्यान से सुनो, एक एक करके मैं तीनों रूल बताता हूँ। पहला रूल, ऑफरर ने बोला था अगर एक्सेप्टेंस ऐसा होना तो वैसा होना। जैसे कि ऑफरर ने बोला था कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, अगर खरीदना चाहते हो तो मुझे लेटर लिख के भेजो। अब यहां पे ऑफरर ने बोला लेटर लिख के भेजो, तो लेटर लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, अगर ऑफरर ने एक प्रिस्क्राइब मोड बताया तो इट शुड बी इन दैट मोड। अगर प्रिस्क्राइब मोड में नहीं है तो क्या होगा, इसने बोला था लेटर लिख के भेजो, आगे वाले ने भेज दिया ईमेल। अब यहां पे ऑफरर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफरर को बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं ईमेल नहीं चलेगा, लेटर भेजो। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, वो अगर बोलता है कि नहीं कुछ कुछ बोला ही नहीं उसने, सो ऐसे केसेस में ईमेल भी वैलिड मान लिया जाएगा, इवन इफ इट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड बट इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। सो ऑफरर को अगर वो नहीं चाहिए ईमेल तो ही शुड रिस्पॉन्ड, उसने मना करना चाहिए, नहीं नहीं ईमेल नहीं चलेगा, आप मेरे को लेटर ही लिख के भेजो। जब तक वो कंडीशन फिर पूरी नहीं होगी तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, प्रिस्क्राइब मोड है तो प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, नहीं है प्रिस्क्राइब मोड में तो ऑफरर के ऊपर डिपेंड करता है, वो या तो एक्सेप्टेंस को वैलिड माने या एक्सेप्टेंस को वैलिड ना माने। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो मान लिया जाएगा उसने एक्सेप्टेंस को वैलिड मान लिया है, इवन इफ इट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड। दूसरा केस, अगर एक्सेप्टेंस का कोई मोड बताया ही नहीं था, देन इट कैन बी इन एनी यूजुअल और नॉर्मल मैनर, जो भी अभी चल रहा है आज के तौर तरीकों में जो अभी चल रहा है, रीजनेबल मैनर, सो उस मैनर में होना चाहिए। इवन अ व्हाट्सएप मैसेज विल डू, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं किया, मन में सोच लिया हाँ हाँ खरीद लिया अपन ने, तो ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होता। समझो मैंने, मेरे को गुप्ता जी ने पूछे शर्मा जी क्या आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने मन में सोच लिया हाँ हाँ खरीद लिए, या मैंने घर पे आके बोल दिया अरे अपन ने गुप्ता जी की कार खरीदे, लेकिन उनको तो बताया नहीं, तो ऐसे केसेस में एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्प्लीट। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, द जनरल रूल इज इट शुड बी कम्युनिकेटेड, बट कुछ केसेस में वो कम्युनिकेट नहीं भी हो तो चलता है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड? पहला है जब कुछ कंडीशंस दी थी, तो ऐसे केसेस में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कंडीशन पूरी कर लो और मान लिया जाएगा आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने बोला जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा,
अब यहां आपको आने की जरूरत नहीं, सर मैं लेके आऊंगा, हाँ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। यहां पे आपने बस वो कर दिया, आपने लेके आ गए ना एक्चुअल में, देन यू कैन क्लेम द अमाउंट। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती, जब कंडीशंस दी गई थी यू कैन परफॉर्म द कंडीशंस एंड इट विल बी डीम्ड दैट द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। जैसा कि कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी हुआ था, मिसेस कार्लेल ने जब वो दवाई को ले लिया एज पर द प्रिंटेड डायरेक्शंस, मान लिया जाएगा शी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, या फिर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया तो भी। जैसे मैं आपसे एक मोबाइल खरीदना चाहता हूं, मैंने आपको लेटर लिख के भेजा कि आप मुझे मोबाइल 2,000 रुपये में भेज दें, 2,000 रुपये का चेक साथ में लगाया हुआ है, आप वो चेक को एनकैश कर लेते हैं तो इट विल बी डीम्ड कि आपने उसको एक्सेप्ट कर चुका है, अब मैं मोबाइल आपसे लेके आ सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बाय एक्सेप्टिंग सम बेनिफिट ऑफ सर्विस। अगर आपने किसी से बेनिफिट ले लिया है, जैसे कुली वाला एग्जाम्पल, कुली का बेनिफिट ले लिया, उसकी सर्विस ले लिया, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आपको बोलने की जरूरत नहीं मैंने एक्सेप्ट किया था, आपने जैसे ही बेनिफिट लिया इट इज डीम्ड दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। फिर एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट, कंडक्ट भी हो सकता है, डायरेक्टली आपने ऑर्डर भेजा, आगे वाले ने बताया नहीं कि वो गुड्स भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, डायरेक्टली आपके घर पे गुड्स आ गए, 15 मिनट में गुड्स आ चुके हैं, अब उसने कुछ बोला नहीं लेकिन गुड्स भेज दिया डायरेक्टली, तो बाय कंडक्ट इट इज इम्प्लाइड दैट ऑफर इज बीन एक्सेप्टेड। एंड बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ जो भी खरीदना चाहता है कल सुबह 5,000 रुपये लेके आ जाए, मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। अब यहां बताने की जरूरत नहीं, कल सुबह जो भी सबसे पहले 5,000 रुपये लेके आएगा मैं उसको मोबाइल दे दूंगा, ठीक है। फिर आजकल बहुत सारे और मोड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन, व्हाट्सएप, तो ऐसे केसेस में ऑफर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, जब ये आगे वाले को प्राप्त होता है, आगे वाले को मिलना चाहिए, आपने भेज दिया लेकिन मिला नहीं, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट कंप्लीट, इट शुड बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस, ये सिंपल है, एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। मैंने आज पूछा था आपको कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 2 लाख रुपए में, आप मेरे को 2 साल बाद आके बोलते हैं सर हाँ, तो 2 साल बाद रीजनेबल टाइम निकल चुका है, ठीक है, ऑफर लैप्स हो चुका है, फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर मीन्स एक्सेप्टेंस हमेशा बाद में आएगा, ऑफर पहले आएगा, ऑफर आने के बाद ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बी बोलेगा हाँ फिर ए बोलेगा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है। देन रिजेक्टेड ऑफर्स तभी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं जब वो रिन्यू किए जाएंगे। मैंने आपको पूछा क्या आप मेरे मेरा मोबाइल खरीदेंगे 2,000 रुपये में, आपने बोला नहीं सर नहीं चाहिए, अब आप कल आके नहीं बोल सकते सर ये लो 2,000 रुपये मोबाइल दे दो, क्योंकि आपने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया, जैसे रिजेक्ट किया द ऑफर इज डेड। अब अगर आप 2,000 रुपये लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे मोबाइल चाहिए, देन इट इज एन ऑफर, आप एक नया ऑफर दे रहे हैं, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस, कुछ नहीं बोलने से एक्सेप्टेंस नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं हाँ समझ लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं एक बंगला खरीदना चाहता हूँ, मैंने बंगले के ओनर को लेटर लिख के भेज दिया, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा बंगला मेरा हो गया, तो ऐसा ऑफर नहीं होता, ठीक है, सो दैट विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, थोड़ा स्पीड अप तो कर रहे हैं अपन, बट मेरे ख्याल से आपको प्रॉपरली समझ रहा होगा। अब ये आपकी रिक्वेस्ट पे ही बैच चालू हुई है और शॉर्ट बैच होना बोले हैं बोलते आपने, तो इसीलिए अपन उस हिसाब से ही कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो मेन बैच है उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, मेन बैच मेन ही रहेगी, तो आपका जो 120 आवर्स का कोर्स है वो वैसा ही रहेगा, तो आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपका साथ साथ में, और आप दोनों देख लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, तो आपका टाइम जो है वो तो बच ही जाएगा, क्योंकि आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उतना कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक बार वहां हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा, 2 बार हो जाएगा आपका, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा आपने पूरी बैच तो देखना ही चाहिए। फिर वेवर का मतलब होता है छोड़ देना, जब मैंने अपना राइट छोड़ दिया कि मुझे राइट था कि मुझे आके आप एक्सेप्टेंस दो, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, सुबह सुबह 5,000 रुपये लेके आ जाना तो मैं मान लूंगा आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज वेवर, वेव यानी छोड़ देना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, आखिरी टॉपिक देखते हैं फिर।
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है? तो जब पार्टीज आर फेस टू फेस, जब आमने सामने है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो जाता है। यहां पे ऑफर किया, वहां पे एक्सेप्टेंस हो गया, तुरंत हो गया, तो ऐसे केसेस में दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि आमने सामने है पार्टीज, उसने हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। बट जब पोस्ट की सर्विस यूज की जाती है, तब दिक्कत आती है, क्योंकि पोस्ट की सर्विस में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कहीं और है, दूसरा व्यक्ति कहीं और है, और ऐसे केसेस में लेटर वगैरह पहुंचने को थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने तो आज लेटर भेज दिया था, लेकिन आगे वाले को 4 दिन बाद मिलता है, तो ऐसे केसेस में अब ऑफर कब कंप्लीट होगा? वैसे ही आगे वाले ने एक्सेप्टेंस तो भेज दिया था, बट मेरे को 4 दिन बाद मिलता है, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इससे रिलेटेड रूल्स हमको देखना है। तो ये रूल्स बताए गए हैं सेक्शन नंबर 4 और 5 में। तो इसको मैं पहले आपको डायरेक्टली डायग्राम से ही बताता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अपन इसको शॉर्ट में कर रहे हैं। वैसे सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि ऐसे प्रॉपर शायद ना दिखे। हाँ, सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैसे क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सो सबसे पहले तो मिस्टर ए है ऑफरर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 तारीख को एक ऑफर लिख के भेजा टू मिस्टर बी द एक्सेप्टर, जो कि बी को मिलता है 10 तारीख को। सवाल यह आता है कि ऑफर कब कंप्लीट हुआ। सो ऑफर कंप्लीट होता है जब आगे वाले को प्राप्त होता है। सो ऑफर 10 तारीख को कंप्लीट होता है जब आगे वाले को प्राप्त हुआ, ठीक है। सो ऑफर ए ने भेज दिया था 6 तारीख को, बट बी को मिला 10 तारीख को। सो ऑफर कंप्लीट होता है ऑन 10th, 10 तारीख को कंप्लीट होता है, ठीक है। देन क्या बी तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा? तो नहीं, बी भी कुछ दिन सोचेगा। समझो बी ने सोचा 2-4 दिन, और उसने 14 तारीख को एक्सेप्टेंस लिख के भेजा, 14th को उसने एक्सेप्टेंस लिख के भेजा। अब ये भी तुरंत तो नहीं पहुंचेगी, एक्सेप्टेंस भेज दिया और इसको पहुंची 18 तारीख को। सो 14 तारीख को इसने भेज दिया और 18 तारीख को एक्सेप्टेंस आगे वाले तक पहुंचती है। सवाल यह आता है एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। आपको फिर से एक सवाल आना चाहिए, जैसे ही मैं ये सवाल पूछूंगा एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, सर किसके लिए। सो जब हम बात करते हैं ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है ऑन 14th, तो 14th को ही कंप्लीट हो चुका है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं बी के लिए कब कंप्लीट होता है, सो बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है ऑन 18th। अब इसका मतलब क्या है, ए के लिए 14th को कंप्लीट हुआ, इसका क्या मतलब? मींस ए 14th के पहले तक के अपने ऑफर को वापस ले सकता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि जैसे ही बी के कंट्रोल के बाहर गया, बी ने लेटर एक बार लिख के पोस्ट कर दिया 14 तारीख को, एक बार बी के कंट्रोल के बाहर चला गया, देन ए के लिए कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, उसका मतलब अब वो ऑफर वापस नहीं ले सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो चुका, उसके लिए हो चुका, उसके लिए वो पूरा हो चुका है, देन ही कैन नॉट रिमूव इट, ही कैन नॉट रिवोक इट। तो उसको ऑफर रिवोक करना है तो कब तक करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा बिफोर 14th, तो 14 तारीख के पहले करना पड़ेगा। कैसे कर सकता है वो? समझो उसने 6 तारीख को ऑफर लिख के भेज दिया था, 7 तारीख को उसने रिवोकेशन का लेटर भेज दिया, तुरंत उसको लगा यार नहीं बेचना चाहिए अपन ने इसको, उसने 7 तारीख को तुरंत रिवोकेशन का लेटर लिख के भेज दिया। अब ये लेटर जो है, ये लेटर पहुंचता है 9 तारीख को अगर, सो 9 तारीख को पहुंचा तो क्या रिवोकेशन हो गया, क्या ऑफर वापस हो गया? द आंसर इज येस, अगर ये 9 तारीख को पहुंचता है तो ऑफर वापस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने का था। अगर ये 12 तारीख को पहुंचता है तो भी क्या ऑफर वापस हो गया? द आंसर इज येस, अगर 12 को पहुंचता है तो भी ऑफर वापस हो जाएगा, ऑफर कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अगर ये 15 को पहुंचता है तो क्या ऑफर कैंसिल होगा? द आंसर इज नो,
15 को पहुंचता है तो रिवोकेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो चुका है। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एक्सेप्टेंस हो गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, 14 तारीख के पहले तक के आप उसको रिवोक कर सकते हैं। एक बार बी ने उसको ले जाके पोस्ट कर दिया था, उसके बाद अगर रिवोकेशन आता है सो रिवोकेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि बी हैज ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, एक्सेप्टेंस हैज बीन कंप्लीटेड फॉर ए, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब वो मना करेगा तो इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए अगर 15 तारीख को पहुंचता है रिवोकेशन देन इट इज नॉट वैलिड। रिवोकेशन कब पहुंचना चाहिए? 14 तारीख के पहले, भले 10 के बाद पहुंचे चलेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड इवन आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस, इवन आफ्टर इट्स कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस नहीं, इवन आफ्टर इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, 10 तारीख के बाद भी ऑफर को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, भले 10 तारीख को ऑफर कंप्लीट हो गया था फिर भी आप वापस ले सकते हैं। अगर 8 को ले लो, 9 को ले लो, तब तो वापस हो गई, पर 11 और 12 को भी वापस हो जाएगा, लेकिन इवन 13 को वापस हो जाएगा, लेकिन 14 के बाद वापस नहीं हो सकता। 15 को अगर आप कैंसिल करोगे देन इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ये माना जाएगा। ठीक है, सो ऐसा है। सो बेसिकली ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब आगे वाले को प्राप्त होता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है फॉर ऑफरर? ये कंप्लीट होता है जब लेटर पोस्ट कर दिया गया सो एज टू बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट होता है ऑन द डेट व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। यानी एक्सेप्टर के लिए 18 तारीख को कंप्लीट हुआ है यहां पे एक्सेप्टेंस। और इसी का मतलब है अगर एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहे सो ही कैन रिवोक द एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। He can revoke the acceptance. कैसे रिवोक करेगा? समझो 14 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस लिख के भेज दिया था, बाद में उसको लगा यार एक्सेप्टेंस तो नहीं करना चाहिए, तो 15 को उसने और फास्टर मीन्स से, स्पीडियर मीन्स से, कोई स्पीड पोस्ट वगैरह टाइप की चीज से उसने रिवोकेशन लिख के भेज दिया। रिवोकेशन अगर 17 को पहुंच जाता है सो यहां पे मान लिया जाएगा कि रिवोकेशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने का था फॉर मिस्टर बी, बी के लिए एक्सेप्टेंस होने का था, और इसीलिए मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है। हाँ, देन हाँ, तो मैं बता रहा था अगर 15 तारीख को रिवोकेशन भेजा है सो रिवोकेशन पहुंचा 17 तारीख को, तो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी होने का था पूरा, और इसीलिए रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। बट अगर रिवोकेशन पहुंचता है 19 तारीख को, तो ऐसे केसेस में रिवोकेशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्टेंस हो चुका है यहां पे, तो अब इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, अब इसी चीज को अगर दोनों को साथ में पहुंचाते अपन, समझो 18 को ही एक्सेप्टेंस भी पहुंचा और 18 को ही रिवोकेशन भी पहुंचा, तो क्या होगा? तो वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट देखना पड़ता है। एक्ट की वर्डिंग्स बोलती है विच एवर कम्स टू हिज नॉलेज फर्स्ट, ऑफरर को जो भी पहले पता लगा। अगर ऑफरर को पहले एक्सेप्टेंस का लेटर मिलता है, वो उसको पहले खोल के पढ़ता है, तो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। अगर वो रिवोकेशन का लेटर पहले खोल के पढ़ता है तो मान लिया जाएगा कि रिवोकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो अगर साथ में पहुंचता है तो देखा जाएगा कि कौन सी चीज उसको जानकारी में पहले आई, कौन सी चीज उसको पहले पता लगी। अगर उसको एक्सेप्टेंस पहले पता लगा था तो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, और अगर उसको रिवोकेशन पहले पता लगा था तो रिवोकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, सो ऐसा है। यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो देख लेते हैं, ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो जाता है या खत्म हो जाता है। कोई भी डाउट? इनका सवाल है अगर लेट पहुंचा ड्यू टू दी मिसहैंडलिंग ऑफ द पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विस में पोस्टमैन ने गड़बड़ कर दिया और लेट पहुंच गया, या घूम ही गया, पहुंचा ही नहीं समझो, तो क्या होगा? सो ऐसे केसेस में एक रूल है
जनरल क्लॉजेस एक्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं बताया इसका, एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है। मैं आपको ये एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे मैं देना नहीं चाह रहा था, बट अपने पास टाइम है तो मैं बता देता हूँ। एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है, उसमें बताया गया है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी जब आप चीज भेजते हैं तो वो कब तक पहुंच जाना चाहिए, उसमें बताया गया है। उसमें ये बताया गया है एक रीजनेबल टाइम में पहुंच गया मान लिया जाता है। रीजनेबल टाइम कितना लगेगा कि यहां से, जैसे नागपुर से मुंबई भेजने को कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है, तो 2 दिन इज कंसिडर्ड एज रीजनेबल, 2 दिन 2.5 दिन तो वो रीजनेबल माना जाएगा। सो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है, यानी भले ही पहुंचा नहीं तो भी फिर यहां मान लेंगे हम कि नहीं ये कंप्लीट हो गया। एक एक्चुअल केस हुआ था, ये भी बता देता हूं, सुन लो। एक बार की बात है, एक्सेप्टेंस भेजा गया था बट पहुंचा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचा। ए ने बी को ऑफर किया, बी ने सोचा अच्छी डील है, उसने एक्सेप्टेंस भी कर दिया, लेटर लिखा, लेटर लिख के भेज दिया। अब पोस्ट ऑफिस वालों की गलती के कारण ये पहुंचा ही नहीं, गायब हो गया, कहीं गुम गया बीच में। कोर्ट में केस गया कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है। कोर्ट ने बोला यस कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि अगर पोस्ट ऑफिस की गलती के कारण अगर लेट होता है या नहीं पहुंचता है या कैंसिल हो जाता है, जाता ही नहीं है, या लेट हो जाता है, डिले होता है, तो ऐसे केसेस में हम वो रूल नहीं लगाएंगे कि कब एक्चुअल में पहुंचा है। वहां पे हम ये देखते हैं कि वो कितने दिन में रीजनेबली पहुंच जाना चाहिए, और रीजनेबल टाइम जैसे इलेप्स हो गया मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्सेप्टर के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि उसने भेजा था, तो उसके पास कुछ एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप होना चाहिए या जो भी है, एक प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो ऐसा तो कोई भी झूठ बोलेगा, मैंने भेज दिया था, नहीं पहुंचा। सो देयर मस्ट बी अ प्रूफ। ठीक है, सो ये रूल एक और है, ये रूल वैसे जनरल प्रोसेस एक्ट का है। अगले साल आपको जनरल प्रोसेस एक्ट पढ़ना है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, मेरे को बताया नीरज सर ने, बच्चे लोग डर रहे हैं लॉ कैसे होगा कैसे होगा। बहुत आसान है, आप देखो एक एक चैप्टर अपन एक एक घंटे में कर सक रहे हैं, और अच्छे से हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने आपको वादा किया 100% तो 100% कोर्स होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई अपन छोटा बटा कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं। हाँ, जो आगे आएगा वो मैंने जरूर छोड़ा हूँ, बट इसीलिए क्योंकि आगे आने वाला है। ठीक है, तो आगे वो डिटेल में अपन पढ़ने ही वाले हैं, बट 100% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसा है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एक अच्छा डाउट था ये, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आखिरी टॉपिक देखते हैं। एक बार रीड करते जाओ आप खुद से। आखिरी टॉपिक, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, या हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, या लैप्स कैसे हो जाता है, खत्म कैसे हो जाता है ऑफर, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का नोटिस भेज दिया, नोटिस इन्हें जानकारी, मैंने आपको लेटर लिख के भेजा कि आप मोबाइल खरीदेंगे 5,000 रुपये में। बाद में मेरी इच्छा नहीं हो रही थी मोबाइल बेचने की, तो मैंने तुरंत आपको फोन करके बोल दिया लेटर भेजा हूं लेकिन मैं रिवोक कर रहा हूं। सो रिवोकेशन हो गया, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जानकारी दे दिया मैंने कि मैं ऑफर नहीं दे रहा, या मैंने लेटर लिख के भेज दिया कि मैं ऑफर वापस ले रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवोकेशन। एक्सप्रेसली विड्रॉ किया, बोल के या लिख के, देन इट इज रिवोक्ड। देन बाय पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के बीत जाने से, जैसा कि मैंने बताया था कि एक वक्त होता है, वो वक्त निकल गया रीजनेबल टाइम, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, आप 2 साल बाद आके बोलते हैं हाँ सर मैं खरीदता हूं, सो 2 साल बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है, रीजनेबल टाइम इलेप्स हो गया। तो अगर कोई टाइम नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम दिया था, मैंने बोला था 2 दिन में बताओ, सो 2 दिन बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, ये सब पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी वाला ही पॉइंट है, डेथ और इंसेनिटी, किसी की मृत्युपरांत या इनसेन, पागल हो जाने के बाद ऑफर जो है वो खत्म हो गया है मान लिया जाता है, इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसेनिटी इज नोन टू द एक्सेप्टर। समझो मैंने आपको ऑफर लिख के भेजा था कि आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, आपने एक्सेप्टेंस लिख के भेज दिए और आपको पता नहीं है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरी डेथ हो चुकी है, तो क्या ऑफर खत्म हुआ? द आंसर इज नो, यहां ऑफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले लेटर भेज चुके थे
और मेरी डेथ हो गई ये आपको नहीं पता है, पर समझो आपको पता है कि अरे शशांक सर तो गचक गए। अब अगर आप लेटर लिख के भेजते हैं सर मैं खरीदने को तैयार हूं, देन इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफर इज ऑलरेडी लैप्स, क्योंकि यू आर हैविंग द नॉलेज कि शशांक सर गचक चुके हैं, अब एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ऑफर लैप्सेस। ठीक है, तो ये लैप्स तभी होता है इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी इज नोन टू द एक्सेप्टर, इट शुड बी नोन बाय फेलियर टू एक्सेप्ट द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन। सो जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो, ठीक है, जैसे मैंने कंडीशन लगाया था आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो 5,000 रुपये सुबह सुबह लेके आ जाना, आपने नहीं लेके आए, खत्म हो गया ऑफर। फिर बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर से भी खत्म हो जाता है ऑलरेडी, अभी जस्ट बताया मैंने, मैंने आपको ऑफर दिया था कि आप 2 लाख में कार खरीदेंगे, आप बोलते हैं हाँ सर लेकिन 1.5 लाख में, दिस इज अ काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। या आप बोलते हैं हाँ सर 2 लाख में लेकिन मैं 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, अगेन दिस इज अ रिवोकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, बाय रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, तो व्हेन द ऑफर इज रिजेक्टेड इट इज डेड, खत्म हो गया वो, अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वंस द ऑफर इज रिजेक्टेड इट इज डेड। ठीक है, सो यहां पे आपका ये वाला चैप्टर भी कंक्लूड होता है। अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 3, इसको थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है वो, बट फिर भी अपन ट्राई करेंगे मैक्सिमम पोर्शन कल के कल हो जाए, और चांसेस है कर सकते हैं अपन कंक्लूड, और थोड़ा सा अपन लगे तो ज्यादा ले लेंगे, अगर लगता है तो थोड़ी कल की क्लास 10-15 मिनट ज्यादा हो सकती है। कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो कोई डाउट नहीं है तो अपन क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।